हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो दैट कि नीट का एक बहुत फेवरेट टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें से भी सबसे फेवरेट क्या है उनके पास, बॉन्ड ऑर्डर। अब 10 से 15 साल के पेपर उठा के देख लो, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, कई बार एक ही पेपर में दो दो बार पूछ लिया है। ऑब्वियसली पूछने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे कई बार वो ग्रेटर कौन सा है, लेस देन कौन सा है, ये पूछ लेंगे, पर रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर ही, राइट? तो इतनी तो मैं गारंटी देती हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 4 से 8 नंबर, या अगर किस्मत और अच्छी 12 नंबर पक्के रखो। दो चीज़ें लिखेंगे, एक साइड हम लिख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। माइंड में बिठा लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस नहीं है, ठीक है। दूसरी साइड हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर, जिसको आप मैजिक नंबर भी बोल सकते हो, जो कि हमारी ट्रिक है मैजिक नंबर की। अब हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन के नीचे हम 2, 4, 6, 8 करके 22 तक हमने नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। 16, 18, 20 और 22। अब आ जाओ हम देखेंगे अब दूसरी साइड। आ जाओ अब सीरियल नंबर देख लेते हैं, जिसको मैजिक नंबर भी बोल रहे हैं हम। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करो, टोटल इलेक्ट्रॉन के सामने लिखना है बिल्कुल, ओके। लिखो 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1। इतनी छोटी सी ट्रिक है, बस यही सारी ट्रिक है। इसके सामने हमने लिख दिया, अब हम इसके साथ साथ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक हम ले लेते हैं B2, एक ले लो NO पॉजिटिव, एक चलो रख लो O2 नेगेटिव, और एक ले लो CO रख लेते हैं, ठीक है। इनका हमने बॉन्ड ऑर्डर देखना है, अब कैसे निकलेगा। फर्स्ट क्या देखना है हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन। B2 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हुए, B+B, 5+5, 10। 10 के एग्जैक्ट सामने क्या आएगा, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1। दैट्स इट, यही सारी ट्रिक है। NO पॉजिटिव देखो, 7+8, प्लस का मतलब -1, एक लूज किया है उसने, -1 कितना आया, 14। 14 के सामने 3, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। नेक्स्ट है O2 नेगेटिव, O+O 16। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 उसने ऐड किए हैं इलेक्ट्रॉन, +2 18। 18 के आगे क्या आ रहा है, 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। C और O, C का कितना 6, O का कितना 8, दोनों का मिला के कितना आ गया, 14। 14 का कितना 3, दैट्स इट। अब ये चारों तो थे जिनके हमारे पास होल नंबर्स आ रहे थे। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर किसी का पॉइंट्स में आ रहा हो, फ्रैक्शन में आ रहा हो, फिर कैसे करना है हमने। चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कैसे करना है। तो मैंने यहाँ लिख ली अपनी ट्रिक, ये है मेरे क्वेश्चन। O2 नेगेटिव, 16+1, 17। अब तुम बोलोगे ये इवन नंबर है, आपने तो 17 लिखा नहीं, 16 के बाद 17 आता है ना। 2 और 1 के बीच में क्या आएगा, 1.5। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1.5। ओके, नेक्स्ट देख लो, NO के लिए क्या करेंगे, 7+8 कितना होता है, 15। 15 भी हमारे पास नहीं लिखा था, पर 14 के बाद 15 ही आता है। 3 और 2 के बीच में क्या आएगा, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2.5। ये NO का है, इसका मत समझ लेना CO पॉजिटिव। C का आ गया 6, O का आ गया 8। पॉजिटिव का मतलब है 1 माइनस होगा, कितना आ रहा है, 13। 13 किसके बाद आता है, 12 के बाद, तो 12 और 14 के बीच में 13, 2 और 3 के बीच में 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। अब ऐसे जितने मर्जी क्वेश्चन ले आओ, PYQ सारे सॉल्व कर लो, किसी का ग्रेटर निकालना है, लेस देन निकालना है, सब कुछ इससे सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो ये थी हमारी ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर की, विद अ डिटेल्ड वीडियो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब आप अपने आप से ट्राई करो और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू।